गुरुवार को जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर अपना इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है, तभी से पूरे देश में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, जहां लोग इस बात से खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की ट्रांसपेरेंसी को इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। वहीं देश भर की लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज में इसको लेकर खलबली मची हुई है। खलबली भला क्यों ना मचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कलेक्टेड फंड का खुलासा करने को कहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रिसीव्ड फंड्स का भी जिक्र किया है, जिसने सभी को खूब हैरान किया है, क्योंकि इसमें BJP और कांग्रेस पार्टी फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पर रही है फंडिंग रिसीव करने के मामले में। जहाँ ये सब कुछ कल के मोस्ट हैपनिंग इवेंट में चल रहा था, वही एक और बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एरेना से आई है, जिसने सभी को हैरान किया है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र से आई इसी न्यूज के बारे में जानने वाले हैं, जिसको लेकर शरद पवार को एक बड़ा ही झटका लगा है। इस न्यूज ने शरद पवार फैक्शन की रातों की नींद उड़ा दी है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो मुद्दा और क्यों इस मुद्दे के बीच महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को अपना फैसला देना पड़ा है। साथ ही देखेंगे कि इस फैसले के बाद इसको लेकर क्या रिएक्शन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या रिसेंट अपडेट आई है। दरअसल आज का जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के एक बहुत ही बड़े फेमस चेहरे शरद पवार की राजनीतिक उठापटक से जुड़ा है। बीते कुछ दिनों से चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच की खींचतान से आप सभी वाकिफ होंगे। दोनों के बीच की दरार इस कदर से बढ़ चुकी है कि अब रिश्तों में नरमाहट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जब से इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार फैक्शन को रियल NCP डिक्लेयर किया है, तभी से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में हलचल से मची हुई थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कमान अब अजीत पवार के हाथों में है, इसी बात का विरोध शरद पवार फैक्शन कर रही है। वहीं बीते गुरुवार को महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने शरद पवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। दरअसल स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार फैक्शन को रियल NCP डिक्लेयर किया है। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, अजीत पवार लेड NCP इज द रियल पॉलिटिकल पार्टी। ये फैसला उस वक्त आया है जबकि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर 27 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने गुरुवार शाम डिप्यूटी CM अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार के वैरिंग फैक्शन द्वारा फाइल्ड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर अपना फैसला दिया है। हालांकि शरद पवार फैक्शन ने इस बात का विरोध किया है, क्योंकि शरद पवार के अंडर NCP ने काफी स्ट्रगल फेसेस को क्रॉस किया है और उनके ही लीडरशिप में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। ऐसे में उन्हें लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं कंसिडर करना बेहद गलत है। आपको बता दूं कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन के दिए डिसीजन को चैलेंज करते हुए शरद पवार सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार के फैक्शन को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच से इस मैटर की अर्जेंट लिस्टिंग की रिक्वेस्ट की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर की सुनवाई CJI DY चंद्रचूर हेडेड बेंच के सामने की गई है, जिसमें उनके साथ जस्टिसेस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल है। अभिषेक मनु सिंघवी ने शरद पवार के पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा कि वे जल्द से जल्द इस मैटर को लिस्ट करें ताकि शरद पवार के साथ जस्टिस हो सके। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से अपनी रिक्वेस्ट प्रेजेंट करते हुए कहा कि जल्दी ही शरद पवार को व्हिप का सामना करना पड़ सकता है अजीत पवार द्वारा, क्योंकि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली जल्दी ही शुरू होने वाली है। और तो और, शरद पवार को अभी तक पार्टी सिंबल भी अलॉट नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन द्वारा। अपनी बात सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इट विल बी अ स्ट्रेंज सिचुएशन बिकॉज ऑफ द ECI ऑर्डर। शरद पवार विल बी सब्जेक्ट टू द व्हिप ऑफ अजीत पवार व्हेन द असेंबली स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। That order is under challenge. It is identical to the questions of law raised in the other matter, UBT Shinde dispute. Please list it on Monday or Tuesday because the session in Maharashtra starts at the end of the week on the 20th. They have not given me any symbol at all. इट इज वर्स देन द उद्धव ठाकरे केस। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि 20 से महाराष्ट्र असेंबली में सेशन शुरू होने वाले हैं, ऐसे में इस केस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। वहीं इस पे कॉग्निजेंस लेते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने इसको जल्दी लिस्ट करने का अश्योरेंस दिया है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव स्पीकर राहुल नार्वेकर के द्वारा दिए फैसले पर की जाए, तो उन्हीं के ऑफिस के एक ऑफिशियल ने व्हिप को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल स्पीकर ऑफिस के एक ऑफिशियल ने बताया कि शिवसेना और NCP मामले में व्हिप का मुद्दा बहुत अलग है। उन्होंने कहा, शिवसेना मामले में दोनों फैक्शन ने एक दूसरे को व्हिप इशू किया था, लेकिन NCP मामले में ऐसा नहीं है। चूंकि व्हिप का मुद्दा स्पीकर के सामने कंसिडरेशन के लिए नहीं था, इसलिए उनके ऑर्डर में इस पर कुछ नहीं कहा गया। हालांकि लेजिस्लेचर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इस मुद्दे के समाधान करना होगा, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग नहीं होनी है, इसलिए इसका फैसला तुरंत नहीं हो पाएगा। लेकिन स्पीकर द्वारा एक वीक के अंदर डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी है, जहां
कहा 27 फरवरी को महाराष्ट्र में राज्यसभा इलेक्शन होने वाले हैं, वहीं 2024 लोकसभा इलेक्शन भी बिल्कुल पास में है। ऐसे में शरद फैक्शन के मन में बेचैनी पैदा होना बहुत ही लाजमी है। आपको बता दें कि जुलाई 2023 से चाचा भतीजे के बीच का रिश्ता तार तार हो गया है, जब अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को धोखा देते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था और डिप्टी सीएम की कमान अपने हाथों में ले ली थी। अजीत पवार ने बस बीजेपी के साथ ही जाने का काम नहीं किया है, बल्कि एनसीपी पार्टी को ऐसा झटका दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अजीत पवार ने एनसीपी के 8 एमएलए को तोड़ते हुए बीजेपी लेड अलायंस में शामिल करते हुए सरकार का हिस्सा बना दिया था। जुलाई 2023 से चले आ रहे दोनों चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई पूरे एक्सट्रीम लेवल पर थी। वहीं इसमें हाल ही में इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया डिसीजन ने आग में घी डालने का काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार के फैक्शन को रियल एनसीपी डिक्लेयर कर दिया, साथ ही उन्हें पार्टी सिंबल के रूप में क्लॉक को यूज करने पर हरी झंडी दिखा दी है। इस खबर के आते ही चारों ओर कोहराम मच गया। फिर क्या था, पूरे शहर में पोस्टर वॉर शुरू हो गए। यहाँ तक कि एनसीपी ऑफिस के बाहर भी कई पोस्टर देखने को मिले हैं। एनसीपी पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर पर शरद पवार पार्टी की ओर से लिखा गया कि जीत तो आज भी हमारी हुई है, चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा जैसे भड़काऊ स्लोगन लिखे गए हैं। शरद पवार के फैक्शन के लोगों ने पार्टी के बाहर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से कौन है असली एनसीपी के बवाल और 10 सुनवाई के बाद आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार फैक्शन के पक्ष में फैसला दिया है। हालांकि इस डिसीजन के पीछे भी खूब हल्ला हुआ है। शरद फैक्शन ने इस मामले को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला देते हुए ये साफ कर दिया था कि उन्होंने पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी के लिए प्रिस्क्राइब 3 टेस्ट के आधार पर ये फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उन्होंने 3 टेस्ट किए अजीत पवार के फैक्शन को रियल एनसीपी डिक्लेयर करने के लिए। पहला टेस्ट था पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव का, दूसरा था पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल और लेजिस्लेटिव मेजोरिटी का। इन्हीं तीनों टेस्ट पर अजीत पवार का फैक्शन सही साबित हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार फैक्शन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार फैक्शन को बहुमत साबित करने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाए और जिसके कारण फैसला उनके पक्ष में नहीं गया। इन सब की क्लैरिटी के बावजूद भी यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने इस इंसिडेंट पर उल्टा इलेक्शन कमीशन को गलत ठहराया और कहा है कि ये सरासर गलत फैसला दिया गया है। आदित्य ठाकरे ने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, व्हेन द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ स्टार्ट्स टू लेजिटिमाइज थेफ्ट यू नो दैट डेमोक्रेसी इज डूम्ड। द इलेक्शन कमीशन हैज नाउ वंस अगेन प्रूव टू बी द फ्रॉड दैट इट इज एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड ईसी। दे आर नाउ शोइंग एवरीवन दैट वी आरंट अ फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी एनीमोर। अब जबकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई इस पे जल्दी होने वाली है, तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कुछ एक्शन होने वाला है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।